हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टिप टॉप क्लासेस में। मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों बेहद स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सेशन बड़ा ही लाजवाब है क्योंकि आज हम साइंस DLED फोर्थ सेमेस्टर की साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने दिए थे और जो भी एग्ज़ाम में आने वाले थे वो हमने बताए थे कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है और कैसे क्या एग्ज़ाम देना है। लेकिन दोस्तों कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और आपने उसको बहुत ज़्यादा व्यू भी नहीं किए, लेकिन फिर भी मैं इस बार फिर से अपना एक नया सेशन लेके आया हूँ उसी के आगे। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। और सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सेशन को क्या करना है, पूरा अच्छे से देखना है। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम खनिज एवं धातु के बारे में, पहले कुछ पोर्शन बच गया था उसी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो खनिज एवं धातु क्या होता है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर होती है उसमें प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कौन कौन से, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, अभ्रक हो गया, हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया और ग्रेनाइट हो गया। अब यहीं पे अयस्क की बात करता है, अयस्क क्या होता है आपका, तो अयस्क के लिए हम क्या कहते हैं, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। क्या है, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है ऐसे खनिज को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिज को क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसे खनिज को। फिर यहाँ पे हम देखते हैं निस्तापन के बारे में, निस्तापन क्या होता है, तो निस्तापन अयस्क को वायु की अनुपस्थित में, अयस्क को क्या करना है, वायु की अनुपस्थित में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अयस्क को वायु की अनुपस्थित में गर्म करके, अनुपस्थित में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल दिया गया है आपका, जैसे लेड कार्बोनेट युक्त युक्त अयस्क को गर्म करने पर लेड कार्बोनेट लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी दी गया है, लेड कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे आप तो लेड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दो जगह टूट जाएगा। फिर कह रहा है भर्जन, भर्जन की क्रिया के बारे में बात कर रहा है, तो अयस्क को वायु की उपस्थित में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अयस्क को वायु की उपस्थित में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फाइड युक्त अयस्क वायुदाब में गर्म करने पर वह कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर कह रहा है कॉपर सल्फाइड, ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन गया है, कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन को क्या किया, मैंने गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड एक निकला और दूसरा जो हमारा बना वो बना सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर कह रहा है अयस्क से धातु का निष्कर्षण, यहाँ पे हम देखेंगे अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम क्या कहलाएगा दोस्तों, ये धातु कर्म कहलाता है। फिर कह रहा है अयस्क का सांद्रण, तो अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की विधि सांद्रण कहलाती है। देखिए जो जो अशुद्धियों को दूर करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो धातुकर्म कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो धातुकर्म कहलाएगा। और जब अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की विधि का सांद्रण करते हैं तो इसको जो अयस्क से अशुद्धियों को क्या करेगा, पृथक करने की विधि को क्या कहेंगे, सांद्रण कहेंगे। और अयस्क का सांद्रण तीन विधियों से किया जाता है। अयस्क का सांद्रण कौन कौन सी विधियों से किया जाता है, ये तीन विधियों से किया जाता है। पहली आपकी है गुरुत्वीय त्वरण विधि, दूसरी है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी है आपकी फेन प्लवन विधि। पहली है आपकी गुरुत्वीय त्वरण विधि, दूसरी है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी है आपकी फेन प्लवन विधि। तो ये जो तीनों विधियां हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका डायग्राम आपको जो है अच्छे से याद या आप प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपकी एक विधि तो हर हालत में एग्जाम में पूछी ही जानी है। तो आपको क्या करना है, इन विधियों को अच्छे से आपको अच्छे से लर्न करना है और इसका डायग्राम भी अच्छे से ध्यान रखना है। ये डायग्राम यहाँ पे
तो साथ में क्या है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या कहता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है। तो यदि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ धातु से हल्की हों तो सांद्रण की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। यदि जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वो क्या है, धातु से अगर हल्की होंगी तो हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें अवरोधक लगे हुए लकड़ी के एक तख्ते को व्यवस्थित रखते हैं। इसमें क्या होगा, अवरोधक ये यहाँ पे दिया गया है, अवरोधक लगे हुए लकड़ी के एक तख्ते को व्यवस्थित करते हैं, इस पर पिसा हुआ अयस्क गिराते हैं। इस पर क्या करेंगे, पिसा हुआ, ये देखिए यहाँ पे पिसा हुआ क्या करेंगे, अयस्क गिराते हैं। इस अयस्क में अशुद्धियाँ मिली होती, इस अयस्क में क्या होगा, अशुद्धियाँ मिली होंगी, और इन्हें अलग करने के लिए जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जल की तेज धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, और जल के प्रवाह के कारण भारी अयस्क तो अवरोधों के बीच रुक जाता है, जबकि हल्की अशुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं। जो भारी अयस्क होगा वो अवरोधों को वो अयस्क को क्या होगा, अवरोधकों के बीच रुक जाता है, जबकि हल्की जो अशुद्धियां होंगी वो जल के साथ बह जाती हैं। जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां धातु से हल्की होती हैं तब सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा हम कब जो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे, जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो होंगी धातु से हल्की होती हैं। जब इसमें जो उपस्थित अशुद्धियां होंगी ये धातु से हल्की होंगी तो जो है हम चुंबक जो विधि का प्रयोग करेंगे वो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हमारा बोलता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि यहाँ पे है, जिन अयस्कों या उनकी अशुद्धियों में चुंबकीय गुण होते हैं, जिन अयस्कों या उनकी अशुद्धियों में चुंबकीय गुण होते हैं उनमें अशुद्धियों को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। उनमें क्या है, अशुद्धियों को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। पिसे हुए अयस्क को चुंबकीय पृथक्कारी की सहायता से सांद्रित किया जाता है। पिसे हुए अयस्क को चुंबकीय पृथक्कारी की सहायता से सांद्रित किया जाता है। चुंबकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा होता है, चुंबकीय पृथक्कारी में क्या है, एक चमड़े का पट्टा होता है जो दो रोलरों पर घूमता रहता है। एक चमड़े का पट्टा होगा जो दो रोलरों पर घूमता रहता है, जिनमें से एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो सिरे हुए हैं और जिसमें पिसा हुआ ये अयस्क डाला जा रहा है, और चुंबकीय जो रोलर हैं ये क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, जब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंचकर गिरता है तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप होकर एक ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। इसी प्रकार अचुंबकीय अशुद्धियाँ चुंबकीय अयस्क से दूर गिरकर पृथक ढेर बन जाती हैं। ये देखिए अचुंबकीय अशुद्धियाँ जो है दूर गिरकर क्या हो रही हैं, पृथक होती जा रही हैं। तो अयस्क का चुंबकीय पृथक्करण विधि ये है, ये इसका जो है डायग्राम है, आप इसको देखेंगे डायग्राम से ही आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। फिर फेन प्लवन विधि के बारे में हम बात कर लेते हैं। फेन प्लवन विधि क्या कहता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बारीक पिसे हुए अयस्क को बड़े हौज में जल के साथ मिश्रित करके कर्दम बना लेते हैं, एक स्लरी टाइप की, ये देखिए ये स्लरी होती है, इसका क्या बनाते हैं, कर्दम बना लेते हैं। तत्पश्चात उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। इसमें क्या करेंगे, चीड़ का तेल ऐड करेंगे, और सामान्यतः चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क तथा गैंग को जल द्वारा गीला किया जाता है। सल्फाइड अयस्क और जल द्वारा इसको क्या किया जाता है, गीला किया जाता है। इस कर्दम में जब तीव्र गति से क्या होगा, वायु प्रवाहित की जाती है तो इसके फलस्वरूप तेल से चिपक कर अयस्क के हल्के कण, जिसमें प्रमुखता सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मालफेन के रूप में तैरने लगते हैं। ऊपरी सतह पर आकर मैल जो जिसको बोलते हैं, मलफेन को क्या बोलेंगे, मैल झाग के रूप में तैरने लगते हैं। तत्पश्चात इस मालफेन को वायु में सुखाकर अयस्क के कण को प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, तत्पश्चात इस जो मैल झाग को होता है इसको वायु में सुखाकर
वायु में सुखाकर अयस्क के कण को प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि को फेन प्लवन विधि कहते हैं। चूंकि अशुद्धियों के कण भारी होते हैं अतः जल को डूबकर टैंक के तल पर एकत्रित हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रगलन की बात कर रहा है, तो प्रगलन की क्रिया में अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। प्रगलन की क्रिया में अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाकर के दूर किया जाता है। अब धातु शोधन की यहाँ पे बात करते हैं, तो धातु शोधन की विधि कौन कौन सी है ये देखते हैं। तो पॉलिंग विधि, पॉलिश विधि जो आपका होता है द्वारा, तो इसमें क्या होगा, हरे बांस की बल्लियों द्वारा इस विधि में शुद्ध किए जाने पदार्थ को परावर्तनी भट्टी में लेकर पिघलाते हैं। उसके बाद उसमें हरे बांस के डंडे को घुमाए जाते हैं, जिससे अशुद्धियाँ हरे बांस के डंडे द्वारा अपचयित हो जाती हैं। इस विधि द्वारा 99.5% शुद्ध जल प्राप्त होता है। यहाँ इस विधि के द्वारा क्या होगा, 99.5% शुद्ध जल प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। तो एक बड़े टैंक में शोधित किए हो जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसमें विद्युत अपघटय कहते हैं। अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग में लाते हैं और उन्हें विलयन में डुबोते हैं। प्रयोग में लाते हैं और उन्हें विलयन में डुबोते हैं। दोनों छड़ों को तार द्वारा बैटरी से जोड़ते हैं। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप एनोड से धातु के आयन विलयन में जाते हैं। फिर विलयन से निकलकर कैथोड पर शुद्ध जल के रूप में जमने लगते हैं। अशुद्धियां जो होंगी वो क्या होंगी, एनोड मड जो आपका टैंक होगा पैंदे में, वो बैठ जाती हैं। पैंदे में क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। अब यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं, तो भौतिक अवस्था देखते हैं ये क्या होता है। सामान्यतया ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा HG द्रव होता है। सामान्यतः ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा HG द्रव होता है। कठोरता कह रहा है यहाँ पे, पोटेशियम सोडियम तथा मैग्नीशियम पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर जितनी भी धातुएं होंगी वो आपकी कठोर होंगी। कार्बन का अपर रूप हीरा है, प्रकृति में सबसे कठोरतम है। कार्बन का जो अपर रूप है वो क्या है, हीरा है, प्रकृति में सबसे कठोरतम रूप है। फिर यहाँ पे इनकी चमक के बारे में दोस्तों बात करते हैं। धातुओं की सतह को उन्हें काटने के बाद तत्काल देखते हैं तो वह चमकदार दिखती हैं। इससे धात्विक चमक कहते हैं। जब धातुओं को क्या करेंगे, उनकी सतह से उसको काटेंगे तो देखेंगे वहां पे तत्काल चमकदार दिखती हैं, तो इसी चमक को ही क्या बोलेंगे, धात्विक चमक बोलेंगे। फिर कह रहा है आघात वर्धनीयता, तो आघात वर्धनीयता को क्या बोलते हैं, पीटने पर धातुओं के फैलने का गुण। जो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, पीटने पर धातुओं के फैलने का गुण। तो धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे चांदी तथा सोने में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है जबकि जस्ते में कम। चांदी तथा सोने में आघात वर्धनीयता का जो गुण होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा, लेकिन जस्ते में क्या होगा, बहुत कम होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तन्यता के बारे में। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं, जैसे तांबे, एल्युमिनियम और आयरन के तार। फिर चालकता, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। सभी धातुएं क्या हैं ये ध्यान रखिएगा, सभी धातुएं जो है विद्युत की सुचालक हैं, क्योंकि इनसे विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है, क्योंकि इनसे क्या है, विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है। अब धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन से अब क्रिया करके, तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तथा सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, 4Na लेते हैं, सोडियम का 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, O2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम तार का जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, या सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या सफ़ेद पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये देखिए रिएक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैग्नीशियम के लेते हैं और O2 के साथ जब क्रिया होती है 2MgO बनता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर कह रहा है जल के साथ अब क्रिया, तो सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अब क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जल के साथ अब क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके, तो मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखिए मैग्नीशियम का जो है जब जल के साथ क्रिया होगा तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद है अम्ल के साथ अब क्रिया करके, तो
तो जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखिए जिंक और टू मॉलिक्यूल क्या है, HCl के हैं, तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। फिर उपधातु के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, उपधातु क्या होती हैं, तो जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, जिनमें धातु तथा अधातु के दोनों ही गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी। फिर गैंग की बात करते हैं, अयस्क में मिले हुए अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं, अयस्क में मिले हुए अशुद्ध पदार्थ को क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। फिर फ्लक्स की बात करते हैं, तो अयस्क मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं धातुमल के बारे में। तो दोस्तों धातुमल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, धातुमल गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाता है। धातुमल क्या है, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाता है। फिर सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी क्या है, वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद हम धातु तथा अधातु में अंतर देखते हैं कि कौन कौन से अंतर होते हैं। तो यहाँ पे हम अंतर धातु तथा अधातु में अंतर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो धातु के पहले यहाँ पे गुण की बात की जा रही है कि कौन कौन से गुण होंगे, और फिर धातु और अधातु में डिफरेंस आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम चार डिफरेंस तो आप पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि चार से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार उसके लिए पर्याप्त है। तो धातु जो होगी वो अपारदर्शी होगी, और अधातु आपकी क्या होगी, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी, तीनों होते हैं। धातु आपकी कैसी होगी, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी, तीनों होते हैं। फिर क्षारीय प्रवृत्ति की हम बात करते हैं, तो धातु क्या होगी, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। फिर ध्वनि की बात करते हैं, तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ये उत्पन्न नहीं करते हैं। ध्वनि क्या करेंगे, धातु जो होगी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और अधातु क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। अवस्था की बात करते हैं, तो धातु सामान्यतः ठोस होते हैं पारे को छोड़कर। फिर ये क्या होगा, अधातु क्या होंगे, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में होते हैं। जो आपका अधातु होता है वो ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में होता है। फिर हम यहाँ पे गलनांक, घनत्व तथा गलनांक की बात करते हैं। यहाँ पे तो घनत्व तथा जब गलनांक की बात करेंगे, तो धातु अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक के होते हैं, जबकि अधातु जो है कम गलनांक एवं जो है घनत्व कम, जो है प्रायः कम होता है। तो इनका गलनांक भी होगा वो कम गलनांक, एवं घनत्व भी प्रायः क्या होगा, कम होता है। फिर मिश्र धातु की बात करते हैं, तो कुछ धातु आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाती हैं। कुछ धातु क्या होगा, आपस में मिलकर क्या करेंगे, समांग मिश्रण बनाएंगे, जबकि अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती हैं, जबकि अधातुएं क्या होंगी, आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाते हैं। फिर अम्लों से क्रिया, तो धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, और ये अम्ल के साथ लवण नहीं बनाते हैं। धातु क्या होगा, अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाएंगे, और जबकि उपधातु जो है धातुओं के साथ, अम्लों के साथ क्रिया करके लवण नहीं बनाते हैं। चालकता की बात करें, तो सभी धातु सुचालक होती हैं। सभी धातु क्या होंगी, सुचालक होंगी, और इसमें ग्रेफाइट तथा कार्बन के अतिरिक्त धातु कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट तथा कार्बन को छोड़ के जितनी भी आपकी धातुएं होंगी वो क्या होंगी, कुचालक होंगी। फिर आगे हम देखते हैं पिंग आयरन की बात करते हैं। यहाँ पे तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, जो वात्या भट्टी से क्या होता है, प्राप्त लोहा पिंग आयरन या कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। पिंग आयरन क्या है, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिंग आयरन या कच्चा लोहा कहलाता है। उसके आगे हम देखते हैं धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय, धातुओं को क्या है, संक्षारण से बचाने के उपाय के बारे में बात करते हैं। तो पेंट का लेप चढ़ाकर कैसे हम जो है धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय क्या क्या करेंगे, पेंट का लेप चढ़ाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वोनीकरण, गैल्वोनीकरण में जानते हैं आपको जिंक की, आपका लिक्विड होता है उसमें जिंक का को पिघलाकर उसमें धातुओं को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। फिर विद्युत लेपन द्वारा, इलेक्ट्रो प्लेटिंग जिसको बोलते हैं। फिर पांचवा है मिश्र धातु बनाकर, पांचवा क्या है, मिश्र धातु बनाकर। तो दोस्तों ये खनिज एवं धातु के अयस्क वाला आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और आप अच्छे से इसको पूरा पोर्शन
विधिवत देखिएगा, ठीक है, और इसके बारे में पढ़िएगा, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पोर्शन पूरा पढ़ लीजिएगा, बाकी का जो भी होगा मैं वो आगे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसलिए चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और अगर आपने अभी भी जो है वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों अपने कॉन्टैक्ट में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।